Hey guys, welcome back to my चैनल Shalini's कलेक्शन मैं हूँ शालिनी और आज मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एंड ये एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक है बहुत ही फास्ट मैंने इसे अचीव किया था तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत बार ऐसा होता है ना गाइस कि हमें किसी पार्टी में जाना है एंड बहुत लेट हो जाता है हम बिल्कुल आलस आलस में या फिर किसी रीज़न से हम रेडी नहीं हो पाते एंड देन वी सी कि जस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स है एंड हमें रेडी होना होता है अच्छा लगना होता है तो गाइज़ ऐसे में आप ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल जरूर से चेकआउट करें एंड इसे देखते देखते आप मेकअप लुक अपना कर लें बहुत फास्ट है ये आई मेकअप करना इजी है एंड अच्छा भी लग रहा है तो चलिए जल्दी से इस मेकअप ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं बट गाइज़ उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लें और आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स भी आप लोगों को मिलते रहें चलिए गाइस इस मेकअप ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने लिया है वेटर्न वाइल का ड्यू लिमिनेक्स प्राइमर एंड मैं उसे अपने फेस को प्राइम कर रही हूँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एंड Uh, बहुत ज़रूरी होता है अपने फेस को प्राइम करना क्योंकि इसके बाद जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो उस फाउंडेशन का इफ़ेक्ट और अच्छा आता है हमारे पोर्स क्लॉक नहीं होते हैं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो ऑलवेज़ प्राइम योर फेस बिफोर uh, अप्लाइंग फाउंडेशन ये देखिए इसके बाद मैंने लगा लिया है फाउंडेशन एंड फाउंडेशन मैंने पिक किया था एल ए गर्ल का एच डी प्रो फाउंडेशन है एंड ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ड्यूई है ये फेस पे एक शाइन रखता है नेचुरल इफ़ेक्ट आता है तो गैस मुझे ये वाला बिकॉज अभी ठंड का मौसम है एंड मुझे एक विंटर्स में ना वो मैट इफ़ेक्ट वाले मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं इसीलिए मैंने इस फाउंडेशन को चूज़ किया था जो प्राइमर भी मैंने यूज़ किया था ड्यूई वेट एंड वाइल्ड का वो भी ड्यूई uh, इफेक्ट देता है उसका नाम ही है ड्यूई तो इसीलिए मैंने उस प्राइमर को भी चूज़ किया था तो ये देखिए मेरे फेस पर ना ग्लो आते जा रहा है इन दोनों प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के बाद शेड है वो है नेचुरल तो अब मैं अपने फिंगर्स से ही इसे डैप 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 कर ले रही हूँ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ किया बिकॉज़ आई वॉज़ ऑल्सो इन हेस्ट तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब जल्दबाजी में मेकअप करना होता है बहुत सारे आइटम नहीं मिलते हैं तो ये बस वैसा ही ट्यूटोरियल है तो हैंड से ही मैंने उससे अप्लाई कर लिया था एंड विथ माई फिंगर्स मैं डैब डैब करके इसे अपने फेस पर सेट कर ले रही हूँ फिंगर्स जो होते हैं ना वो बेस्ट ब्रश माने जाते हैं अब मैंने लिया है ये कंसीलर एंड उसे मैं अपने आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है बिकॉज इसके बाद जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है अब मैंने लिया है ये डार्क पिंक कलर और इसे मैं अपने क्रीज लाइन पे एंड आउटर वी पर अप्लाई की हूँ अभी सिर्फ मैंने फ्ले... प्लेस किया है कलर को एंड देन ये जो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है उससे मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग जो मैं कर रही हूँ उसे मैं अपने क्रीज लाइन के ऊपर तक ले जा रही हूँ कलर को ताकि स्लाइट पिंकिश शेड मेरे क्रीज़ लाइन के ऊपर भी रहे अब मैंने लिया है ये ब्लैक कलर ब्लैक आई शेडो एंड इससे मैं अपने आउटर वी को डिफ़ाइन कर रही हूँ देख सकते हैं आप मैंने वी शेप में अपने आईज पर आउटर वी पर लगाया है एंड देन उसी को मैं स्लाइटली अपने क्रीज़ लाइन तक भी ले जा रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया है मैं सिर्फ उतने से ही कलर को स्प्रेड कर रही हूँ तो ये देखिए ये लुक आ गया फाइनली क्योंकि वो पिंक एंड ब्लैक मिक्स हो गया था अब लिया है मैंने ये शिमर कलर सिल्वर कलर है ये शिमर शेड जो आई शेडो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ वो है पेट्रीशिया ब्राइट मेकअप रिवल्यूशन का है ये एंड काफ़ी अच्छा है ये वाला कलर भी उसका मुझे अच्छा लगा आप कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो आ, आपके पास कोई हाइलाइटर है सिल्वर कलर का तो आप उसे ही लगा सकते हैं ये देखिए मैंने इनर वी से लेकर मिडिल ऑफ माई आईलेट तक अप्लाई किया था एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस पिंक कलर का शिमरी आई शेडो एंड इस लाइट पिंक शिमरी आई शेडो को मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल अपने आई लेड के ऊपर मिडल ऑफ आई लेड के ऊपर इनर वी तक भी नहीं लेके गई, गई हूँ मैं ऐसे सिर्फ अपने मिडल ऑफ आई लेड पर अप्लाई की हूँ एंड देन हल्का हल्का सा अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि वो ऐसा ना दिखे कि बिल्कुल बस प्लेस कर दिया है मैंने थोड़ा ब्लेंडेड दिखे तो ये देखिए ब्रश थे मैंने हल्का हल्का उसे मर्ज कर लिया है कलर्स को तो ये देखिए गाइस ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो ऐसा ना लगे कि बस हम मैंने प्लेस कर लिया है कलर को ब्लेंडेड दिखना चाहिए आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा सा पिंक लुक आ गया है मेरे आईज पे एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर जो कि है रेवलॉन uh, का uh, ये है एक लिक्विड आई लाइनर काफ़ी ईजीली अप्लाई हो जाता है इसे मैं ऑलमोस्ट अपने सारे मेकअप ट्यूटोरियल में यूज़ करती हूँ Uh, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं इसे बहुत इजी है ऐसे अप्लाई करना इसका एप, एप्लीकेटर भी काफ़ी अच्छा लगा लगता है मुझे अब मैंने लिया है ये लोटस का इको काजल एंड इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन एंड वाटर लाइन दोनों पर अप्लाई करूँगी तो ये जो काजल है ये भी बहुत डार्क है एंड बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है बहुत बार आपको इसे अपने आईज पर लगाने की ज़रूरत नहीं है एक स्ट्रोक में हो जाता है नाउ आई एम टेकिंग दिस पिंक कलर फ्रॉम द सेम आई शेडो पैलेट एंड उसे मैं एज ब्लश अपने चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ मैंने कॉन्ट्योरिंग नहीं किया है इस वाले मेकअप लुक में बिकॉज ये जल्दबाजी वाला मेकअप है तो यस गाइस पिंक कलर का मैंने लगा लिया है ब्लश uh, मैंने मैं आई लाइन आई एम सॉरी मैं अपना मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी तो वो भी मैंने लगा लिया एंड नाउ आई हैव टेकन दिस पिंक कलर का लिपस्टिक जो कि मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है एंड ये जो लिपस्टिक है ये शुगर का मिनी लिक्विड लिपस्टिक है ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इसलिए इसे अप्लाई बिल्कुल आ, सही तरीके से करना होता है अगर ये बाहर लग गया तो मतलब कि आपको फिर उसे रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ जाएगी तो बस ये हो गया ऑलमोस्ट मेरा मेकअप लुक कंप्लीट अब मैं हाइलाइटिंग करूँगी तो ये स्विस ब्यूटी का मैंने हाइलाइटर लिया है इसमें बहुत सारे कलर्स हैं पिंक है वाइट है तो ये वाइट कलर मैंने पिक कर लिया था एंड इसे मैं ब्रिज ऑफ माय नोज़ पर अप्लाई कर रही हूँ देन फिर अपने चीक बोन्स पर अप्लाई करूँगी Uh, ताकि हाइलाइटिंग अच्छी लगे एंड देन क्यूब पो पर uh, फोरहेड पर थोड़ा थोड़ा एंड दैट्स इट हो गया हाइलाइटिंग भी हो गया फिनिश आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर उधर क्या देखते रहती हूँ एक्चुअली मैं चेक करते रहती हूँ कि अरमान उठ तो नहीं गया <laughs> तो मदर्स का होता है ये सब बस मैंने कर लिया है अब मैंने लिया है ये नेक्स का सेटिंग स्प्रे ये भी है ड्यूई वाला सेटिंग स्प्रे एंड इसे मैंने अपने फेस पर अच्छी तरह से स्प्रे कर लिया है एंड दैट्स इट मेरा मेकअप हो गया है फिनिश ये देख सकते हैं आप मेरे फेस पे ग्लो भी है एंड कोई बोल नहीं सकता है कि ये मैंने इतने इजीली इतने फटाफट किया है ये मेकअप लुक अगर आप लोगों को मेरा ये चोकर सेट पसंद आ रहा है या मांग टीका पसंद आ रहा है तो गाइज़ इसके ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा ज्वेलरी हॉल किया था अमेजोन से परचेज़ किया था तो अमेज़न ज्वेलरी हॉल किया हुआ है अपने चैनल पे आप वो चेकअप कर सकते हैं तो गाइज़ कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक डेफिनेटली मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड uh, अगर आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे तो प्लीज़ गाइस इसे ज़रूर से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट तो आप ज़रूर से कर ही रहे हैं बताने के लिए कि आप लोगों को एक्चुअली कैसा लगा मेरा ये लुक एंड गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना कर लाती हूँ आप लोगों के लिए तो प्लीज़ गाइज़ अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल बाय बाय टेक केयर सी यू एंड गुड लक बाय